हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है realme 8i। ऑब्वियसली आज के इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग तो होगी ही, साथ ही साथ सच अ काइंड ऑफ रिव्यू भी होगा इस स्मार्टफोन का कि हमें ये स्मार्टफोन लेना चाहिए, स्मार्टफोन वर्थ इट है या नहीं है। और सबसे बड़ी मेन बात जो कि आप सभी को पता है कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की सेल चल रही है, तो काफी अच्छा डिस्काउंट रियलमी 8i स्मार्टफोन पे मिल रहा है। तो कितना स्मार्टफोन मिल रहा है, हमें ऑनलाइन बाई करना चाहिए क्या, ऑफलाइन बाई करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल में आज की वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो आज तक जरूर देखना, चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम शेख, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के डिजाइन के बारे में बात करो तो फ्रंट साइड में आपको 8i आपको काफी बोल्ड में आपको देखने को मिलेगा, नीचे रियलमी की लेबलिंग आपको देखने को मिलेंगी, लेफ्ट हैंड साइड भी आपको सेम ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड भी आपको सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉक्स के बैक साइड के बारे में बात करें तो कुछ फीचर्स आपको हाईलाइट देखने को मिल जाएंगे, ऑब्वियसली इस वीडियो में काफी डिटेल में बात करेंगे। नीचे पावर्ड बाय एंड्रॉइड आपको देखने को मिलेगा और कुछ बार कोड एंड डिटेल्स इन ऑल आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, जैसे ही हम बॉक्स की लीड हटाते हैं आपको यहाँ पे वेलकम नोट आपको देखने को मिलेंगे, वेलकम टू द रियलमी फैमिली। उसके नीचे आपको लेबलिंग देखने को मिलेगा और इस लीड के अंदर आपको जो है सिलिकॉन केस आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मल क्वालिटी का जो आपको मार्केट में देखने को मिलता है 20-60 रुपए में आपको जो देखने को मिलता है, वही आपको ब्लैकिश शेड में आपको जो है सिलिकॉन केस आपको देखने को मिलेगा। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, अगर आप जैसे कि स्टार्टअप मेनू वाले यूजर गाइड है वो वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको सिम इजेक्टर टूल भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे हम इसे साइड में रख लेते हैं, आपको जो है मेन स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि हमारे पास है स्पेस ब्लैक में। जैसे आप देख सकते हो इसका जो शेड है काफी कमाल का दिख रहा है, क्योंकि टॉप साइड में आपको जो लाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है जो कि ग्रे टाइप आपको सिल्वर टाइप आपको देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे आप डार्क ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है जो कि काफी प्रीमियम सा लुक आ रहा है स्मार्टफोन का। फिलहाल अभी हम इसे साइड में रख लेते हैं। इसके बाद आपको जो है चार्जर आपको देखने को मिलेगा एंड एक यूएसबी केबल आपको देखने को मिलेगा। दैट्स इट, बॉक्स में आपको इतना ही कॉन्टेंट आपको देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर स्मार्टफोन के लुक्स की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो स्मार्टफोन का जो लुक है काफी प्रीमियम से लुक है। बैक साइड में जो स्पेस ब्लैक कलर हमने हमारे पास आया हुआ है, टॉप साइड के ऊपर आपको जो लाइट कलर आपको देखने को मिलेगा लाइक सिल्वर एंड ग्रे टाइप आपको देखने को मिलेगा, नीचे थोड़ा डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा लाइक जैसे कि डार्क ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दो शेड में आपको देखने को मिलता है। देखिए जो लग रहा है वो एकदम प्रीमियम सा लुक आपको देखने को मिल रहा है इस स्मार्टफोन में। बैक साइड में जो है आपको एक फ्लैश और तीन कैमरा आपको देखने को मिलते हैं, जो कि फ्लैश भी इन्होंने जो दिया हुआ है वो कैमरे के साइज में ही दिया गया, तो ऐसा लग रहा है कि 4 कैमरा है ये स्मार्टफोन के ऊपर, तो काफी इंटरेस्टिंग सा लुक यहाँ पे आ रहा है। फ्रंट साइड में अगर आप देखोगे तो 6.6 इंचेस का 120 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो कि 120 हर्ट्ज का मिल रहा है। अगर आप कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको ये स्मार्टफोन देगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे पिक्चर क्वालिटी कितनी जबरदस्त आ रही है, जो कलर्स वगैरह जो आ रहे हो काफी ज्यादा एक्यूरेट आ रहे हैं, तो नो डाउट काफी अच्छा एक्सपीरियंस आएगा अगर आप कंटेंट वगैरह कंज्यूम करोगे। सो गाइज, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको हेलियो G96 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। अगर गेमिंग वगैरह आप करोगे तो मीडियम सेटिंग्स पे आप आराम से BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री फायर आराम से आप इसमें खेल पाओगे, तो नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस में आपको काफी अच्छा मिलेगा, यानी कि एवरेज गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट प्रोसेसर काफी अच्छा आपको इसमें मिल रहा है। गाइज, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरेज के बारे में। तो बैक साइड में आपको तीन कैमरा सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 15 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, देन +2 megapixel एंड देन +2 megapixel, और एक LED फ्लैश आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। जो LED फ्लैश जो माउंट किया हुआ है दोस्तों, वो भी कैमरा सेंसर के जैसा जो डिजाइन है उसी के अंदर माउंट किया गया है दोस्तों। और कैमरा बैंक जो है यहाँ पे काफी ज्यादा छोटा है दोस्तों, जैसे कि अगर आप ऐसे कैमरे के साइड फोन भी रखोगे तो नो डाउट आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा बम जो है काफी ज्यादा छोटा है। और फ्रंट सेल्फी की बात करो तो आपको, यानी कि सेल्फी कैमरे की बात करो तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे काफी बेस्ट कैमरा आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पिक्चर सैंपल्स मैं स्क्रीन पे बता रहा हूं, तो काफी अच्छे जो है पिक्चर सैंपल्स यहाँ पे मुझे मिले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इसका एक एनिमेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सेल्फी कैमरे में स्विच करते हो तो उस टाइम पे भी आपको जो यहाँ पे लाइट एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम सा लगता है, काफी प्रीमियम सा फील जो ये स्मार्टफोन देता है। तो आपको कैमरा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो गाइज, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh बैटरी आपको देखने को मिलेंगी विद 18W फास्ट चार्जर के साथ। नो डाउट दोस्तों, अगर आप कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हो या फिर गेमिंग करते हो इस स्मार्टफोन में, तो आपकी जो बैटरी है वो लॉन्ग टर्म तक टिक जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो इस स्मार्टफोन को, कॉलिंग वगैरह थोड़ा बहुत सोशल मीडिया व्हाट्सएप एंड ऑल चला लेते हो, तो इस स्मार्टफोन में आपको 2 दिन तक बैटरी टिक जाएगी दोस्तों। अगर आप गेमिंग करोगे इस स्मार्टफोन में तो आराम से 1 दिन ये बैटरी आराम से टिक जाएगी दोस्तों, और थोड़ी बहुत बैटरी फिर भी बच जाएगी। तो आपकी क्या राय इस बैटरी को लेकर मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना।
बात करते हैं ये स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, एंड्रॉइड 11 आपको देखने को मिलेगा विद रियलमी वर्जन 2.0, यानी कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली जैसे कि आप देखोगे रियलमी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर फोन में सेम ही होता है, तो ठीक ठाक आपको एक्सपीरियंस दे देगा। क्योंकि मेरा अगर ओपिनियन ले तो मुझे रियलमी के ऑपरेटिंग सिस्टम उतने पसंद नहीं आते। क्या आपका भी सेम ऐसी है, क्या फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रियलमी के पसंद आते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बात करें प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन की, तो इसमें आपको कई सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, लाइक स्नैपचैट आपको देखने को मिल जाता है, अमेजोन आपको देखने को मिल जाता है, डेली हंट आपको देखने को मिल जाते हैं, booking.com, प्राइम वीडियो, मौज एप्लीकेशन और कई सारे एप्लीकेशन आपको ये स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल देखने को मिलते हैं। वैसे बेसिकली आप इसे सिंपली इजिली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के वेरिएंट के बारे में, तो हमारे पास जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको 4GB रैम आपको देखने को मिल जाएंगी एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे काफी ठीक ठाक रैम आपको देखने को मिल रही है, बट हो सकता था इस प्राइस पॉइंट पे आपको 6GB रैम भी मिल जाए कई और स्मार्टफोन में और कई और ब्रांड्स के ऊपर। तो हमारे पास जो वेरिएंट है वो 4GB रैम वाला वेरिएंट है एंड 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। सो गाइज अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो आपको ये स्मार्टफोन का प्राइस 15,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएंगे, अप्रॉक्स 16,000 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप देखोगे ऑफर्स में, जैसे कि अमेजोन की जो अभी ऑफर्स चल रहे हैं, तो उसमें आपको 14,990 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा, यानी 14,990 रुपये में आपको अमेजोन पे ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट में बाय करते हो, फ्लिपकार्ट से बाय करते हो दोस्तों, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, 12,999 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 3,000 रुपये का डिस्काउंट आपको रियलमी 8i पे मिल रहा है। तो नो डाउट अगर आपका बजट है 13,000 रुपये का, तो जस्ट गो फॉर इट, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं आपको इस स्मार्टफोन में, यानी कि 120 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको मिल रहा है, वो भी 6.6 इंचेस का डिस्प्ले के साथ आता है, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, तो 13,000 रुपये में नो डाउट काफ़ी अच्छी डील आपको मिल रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये स्मार्टफोन कैसे लगा, और मुझे भी लग मेरा सोशल मीडिया हैंडल तो फॉलो लाइक नहीं करो फॉलो लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तो चलिए गाइस बाय बाय।